वाले इस क्रूज शिप को जो है वो सिर्फ दूर से देखते हैं, अंदर की दुनिया उन्होंने नहीं देखी, मगर चलते फिरते आपको दिखाएगा अंदर की दुनिया। अस्सलाम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बड़े क्रूज के बिल्कुल अंदर। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जी आपने तो जहाज को जी बाहर से दिखाया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया पर बड़ी बाज़गश्त है, कह रहे हैं कि जी इस जहाज को, इतने बड़े जहाज को, क्रूज शिप को बतौर लोगों की तफरी के लिए जो है वो पोर्ट ग्रैंड में रखा जाएगा या किसी और जगह पर रखा जाएगा। आज सारी वीडियो में मैं आपको हकीकत बताऊंगा और आज इस जहाज के अंदर आपको मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे जी आपने तो बाहर से दिखा दिया, अंदर की दुनिया तो आपने बताई नहीं। तो मैं थोड़ा सा वाजे तौर पर बता दूं, इस जहाज के अंदर 7-स्टार होटल, शॉपिंग मॉल, 1411 कमरे, इसके अलावा जिमनेजियम, गेमिंग जोन, डिस्को और कसिनो, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर जो है वो अंदर है। इटली में ये जहाज़ बनाया गया था और रशिया से ये जहाज़ ख़रीदा गया और बिल आखिर पाकिस्तानी सरमायादार जिसका नाम अहमदुल्लाह मिनज़ई, जो कि एक बहुत बड़ा सरमायादार है, मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमायादार, जिसने पाकिस्तान के यानी कि सितारे इम्तियाज़ से भी उसको नवाजा गया। अहमदुल्लाह मिनज़ई एक वो शख्स है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक तो ये कि उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए इतना टैक्स अदा किया कि पूरे कराची में सेकंड नंबर पर आता है टैक्स की अदायगी में। जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं आप देखें कि टैक्स की चोरी में जो है वो अव्वल नंबर पर आते हैं, मगर ये वो सरमायादार है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। ये उसी शख्स ने जहाज़ ख़रीदा है और अब ये जहाज़ जो है वो स्क्रैप में जाएगा। बहरहाल ये कोशिश की गई कि इस जहाज़ को जो है वो अब बतौर सियाहत के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाए। कराची वाले इस क्रूज शिप को जो है वो तरस गए हैं, सिर्फ दूर से देखते हैं, अंदर की दुनिया उन्होंने नहीं देखी, मगर चलते फिरते आपको दिखाएगा अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया दिखाने वाला जो शख्स है मैं नहीं बल्कि वो नकीबुल्ला खान है, क्योंकि जब आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, आपने कहा कि जी जहाज़ के अंदर हमें दिखाएं, तो मैंने कहा कि अंदर तो मीडिया वालों को भी अलाउ नहीं है, किसी को भी सोशल मीडिया, मीडिया बड़े से बड़े चैनल को भी अलाउ नहीं है अंदर की वीडियो बनाना, तो अब मैं किससे रब्ता करूँ। फिर जी मुझे नकीबुल्ला खान मिले और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी है, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन ही नहीं है, जो वो कहते हैं ना जी बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, तो नकीबुल्ला जो है वो मेरा बिल्कुल करीबी दोस्त है और मैंने उसको कहा कि ये जहाज़ है, मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों ने कॉमेंट किए हैं बोले अंदर की दुनिया दिखानी है, तो उसने कहा अबे ये जहाज़ तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई अहमदुल्लाह खान मिनज़ई ने लिया हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, इस जहाज़ का पूरा विज़िट भी करवाऊंगा, तो मैं आपको नकीब खान से भी मैं बात करूंगा कि उसका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उसने जो है वो आपको जहाज़ के अंदर का सारा जो है वो दुनिया दिखाई है, उससे भी बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। नीला समंदर है और 9 फ्लोर पर जहाज़ के हम इस वक्त मौजूद हैं। इस जहाज़ के 9 फ्लोर पे क्या कुछ है, आइए चलते हैं, नकीब हमारे साथ हैं। देखें जहाज़ एक बहुत बड़ी भूल भुलैया होती है, मतलब आप ये समझें कि अगर आपको कोई शख्स लेकर आया है तो उसका हाथ पकड़ कर रखें, अगर आपने हाथ छोड़ दिया इट्स मीन आप गुम हो गए, आप यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं कि मुझे जाना किधर है और मैं आया कहाँ से था, गया कहाँ से। तो शुक्र है कि नकीब भाई हमारे साथ मौजूद है, तो आइए चलते हैं, आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। इस वक्त मैं 9 फ्लोर पर हूँ और ये सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा जिमनेजियम में आपको बताऊँगा कि ये जो जिमनेजियम है कितना ज़बरदस्त और शानदार बनाया गया है। अब ये मेन गेट है और इसी के साथ ही ये आप देखें जी, ये सामने जो है वो जिमनेजियम है जिसको एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं, बड़ी बैरून ममालिक से लाई गई ये मशीनें हैं और ये इतनी ज़बरदस्त इंपोर्ट की गई मशीनें, क्योंकि जब जहाज़ में रखी जाती है तो वो बड़ी ज़बरदस्त और शानदार मशीनें होती हैं। अभी मैं इस वक्त 10 फ्लोर पे आ चुका हूँ, वो 9 फ्लोर था, मैं 10 फ्लोर पर हूँ। आइए थोड़ा सा मैं कमरे भी आपको दिखाता हूँ, वो जो बातें हो रही हैं कमरों की वो कमरे भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जो है वो मसाज वगैरह का भी जो है वो इंतज़ाम मौजूद है। देखिए सामने VIP जो है वो बैठक बनी हुई है और ये आप चाहें तो इसमें सुकून से लेट कर सामने के नज़ारे कर सकते हैं
और ये पूरा देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो माहौल है और कितना शानदार ये मतलब जहाज़ है। अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ, इस जहाज़ में क्योंकि लाइटें बंद है वो इसलिए कि जनरेटर, क्योंकि एक दिन का जो किराया है मतलब तेल का डीजल का 30 टन योमिया 30 टन ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप देखें जो शख्स जहाज़ को ख़रीद रहा है तो उसका अखराजात भी देखना होगा, तो 30 टन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर तेल पी जाता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा कमरे भी लेकर चलता हूँ कमरे के अंदर, और ये मसाज है, ये टोटल पूरा मसाज का सेशन है पूरा, ये जो 10th फ्लोर है आप देखें यहाँ पर लेट कर जो है वो मसाज किया जाता है, ये भी मौजूद है। इसके अलावा नज़ारे देखें, मैं आपको यहाँ लाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको नज़ारे दिखाऊँ कि मसाज भी हो रही है और ख़ूबसूरत जो है वो नज़ारे भी हो रहे हैं। मतलब अगर आप रोशनी पसंद नहीं करते पर्दे लगा दें और सुकून से यहाँ पर मसाज करें। तो आइए मज़ीद आपको अंदर लेकर चलता हूँ। चौदह सौ ग्यारह कमरों की बात की जा रही थी, अब मैं थोड़ा सा आपको मॉडल के तौर पे कमरे दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो कमरे हैं। एक डबल बेड है, एक जंबो डबल बेड है, एक सिंगल है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो रखे गए हैं कमरे कैटेगरी वाइज। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा एक डबल बेड के कमरे में लेकर जाऊँगा। आप देखें, आप थोड़ा सा यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखें, ये 1532 है। हर कमरे के बाहर जो है वो आपके बोर्ड रखे, यानी कि एक प्लेट रखी गई है नंबरों की, और साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसके अंदर आप कार्ड डालकर अपने रूम को खोल सकते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कि ये रूम है कैसा। आप देखें कितना शानदार ये रूम है, LCD पड़ी हुई है क्योंकि ये जहाज़ जो है वो स्क्रैप होने आया, इसलिए चीज़ें जो है वो बेतरतीब है, मगर अभी भी ये सामान जो है वो मौजूद है। और थोड़ा सा बेडरूम के पास अगर मैं आपको लेकर जाऊं, बहुत शानदार है। मतलब आप देखें कि बेडरूम का यहाँ का मज़ा डबल है। एक तो ये कि सामने खिड़की है, मेरे बिल्कुल सामने समंदर है, नीला आसमान है, नीला पानी है, और साथ मेरे बेड है। चाहूँ तो यहाँ पर सुकून से अपनी ज़िंदगी, समझ लो कि आधी ज़िंदगी लोग यहीं पर ही गुजार लेते हैं, जो सी मैन होते हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ यहीं गुजार लेते हैं। तो आप क्रूज़ शिप के अंदर हैं जो कि इटली से मंगाया गया है और ये स्क्रैप होने आया है, और सोशल मीडिया पे बाजगश्त हो रही है, तो सोचा मैं आपको जहाज़ के अंदर का माहौल दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त है। अब ज़रा ये आपको दिखाता हूँ, कबर्ड है और कबर्ड भी कितने शानदार हैं, पूरे के पूरे सामान आपके आ जाते हैं, सारे ये हैंगर वगैरह मौजूद हैं, सारी चीज़ें अभी अपनी असल हालत में जो है वो मौजूद है। और ये सारा का सारा जो सामान है ये होटलिंग में काम आता है। मतलब अब ये जहाज़ चूँकि स्क्रैप होगा तो जितना रॉ मटेरियल है, जितने भी जो जहाज़ के अंदर का जो सामान है, वो PC शेरटन रमदा और जितने बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनके काम में आएंगे। तो आइए थोड़ा सा और मज़ीद इस जहाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बात कर रहा था नकीब भाई की, नकीब खान की, जिसने मुझे इस शिप के अंदर आने के लिए जो है वो इजाज़त दिलवाई, और मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ सारे शिप के जो अंदर के जो नज़ारे हैं वो सिर्फ इनकी मेहरबानी है। नकीब भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो जहाज़ के अंदर जो है वो एक्सेस दिया, और दूसरा ये लोगों को बताया कि जी कराची वाले जो है वो बड़े, वैसे तो क्रूज़ शिप दूर से देख कर जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं, मगर अंदर से जो है वो आपने दिखाया तो यकीनन कराची वाले भी आपको देखकर जो है वो बड़े खुश हो रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान में जो ये क्रूज शिप आया, क्या कहेंगे आप? जी मोहसिन भाई, आपको तो पता है माशाल्लाह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का जहाज़ जो है ना वो आज तक नहीं आया, और बाकी ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ये तो आपको भी पता चल जाएगा। और जो है ना लोग भी माशाल्लाह से डिमांड कर रहे हैं कि यार आप इसको जो है ना टूरिज़्म के तौर पर इस्तेमाल करें। तो अभी तो ये तो बीच हो गया है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर। इसकी एक अलग ही दुनिया है, मतलब हम देख रहे हैं आप खुद भी आए हो, कैसी कैसी दुनिया है इसकी? यार ये तो ऐसी दुनिया है कि आप अगर 3-4 घंटे भी अंदर घूमो ना तो वो भी कम है। सही जी, नकीब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मुश्किल से मैं इनको फ्रंट पे लेके आया हूँ, वरना ये कह रहे थे कि जी मैं मीडिया के सामने या फिर कैमरे के सामने बोल नहीं सकता हूँ। तो बहरहाल नकीब भाई जो है हमारे साथ मौजूद थे, आइए इस पूरे जहाज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मैं लग्जरी रूम के अंदर आया हूँ, वैसे ये लग्जरी नहीं है मगर लग्जरी जैसा ही है, लग्जरी रूम और भी है। ये देखें बैल्कनी है
और इस बैल्कनी में जो है वो समंदर के नज़ारे करें, और बैल्कनी के साथ ही एक शानदार रूम है, मज़ेदार कारपेट बिछा हुआ है, इसके अलावा LCD वगैरह लगी हुई है, सामने LCD है, ये सारे कबर्ड हैं, और इसके अलावा ये सिंगल बेड है, एक और सिंगल बेड है, और ये सामने देखें ये वॉशरूम भी है, वॉशरूम भी अगर आपको दिखाएं, वॉशरूम भी बड़ा शानदार है, बहुत खूबसूरत वॉशरूम बना हुआ है, कमोड लगा हुआ है, सामने देखें आप जो बेसन है वो इतना कोई शानदार बेसन है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़बरदस्त, एक एक नल इसका, एक एक चीज़ इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अलावा ये छोटी छोटी कबर्ड यहाँ पर मौजूद है, अलमारियाँ भी हैं, और इसके अलावा जो है वो सुकून दे माहौल है, सामने के जो मनाजिर हैं वो बड़े शानदार हैं, बड़े खूबसूरत यहाँ के जो है वो मनाजिर हैं, मतलब आपने अपना गेट खोला, गेट खोलने के साथ ही आप शानदार नज़ारे करें, अगर रोशनी पसंद नहीं है पर्दे लगा दें और सुकून से सो जाएं, LED आपके सामने, फुल एयर कंडीशन, ये देखें आप, देख रहे हैं आप, ये एयर कंडीशन है, मतलब हर जगह जिस रूम में भी आप चले जाएं आपको रिमोट से आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक है और बिल्कुल मौसम के हिसाब से चलता है एयर कंडीशन। तो आइए मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। मैं किसी ड्राइंग रूम में नहीं बैठा हुआ बल्कि शिप के अंदर मौजूद एक कमरा है जिसे स्वीट होम कहते हैं, मतलब ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ये कमरा है, और इसमें जो है वो उसके ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं आपको नज़ारे भी करवाऊँगा, थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि जी सामने देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, मतलब बिल्कुल ये कर्फ टाइप का बना हुआ है शीशा, और फर्नीचर आप देखें कितना खूबसूरत फर्नीचर है, और ये पूरा एक कमरा है स्वीट होम, ये मेन गेट है, मेन गेट से इंटर होने के बाद आपको ड्राइंग रूम मिलता है, ड्राइंग रूम के बाद जब आप आगे आते हैं तो आपको जो है वो अलमारियाँ मिलती हैं, और अलमारियों के साथ ही ये देखें जी ख़ज़ाना, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ डॉलर पड़े होते हैं। तो बहरहाल ये पूरा खाली हो चुका है, और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा अंदर और मज़ीद लेकर चलूं, तो ये इसके वॉशरूम है, वॉशरूम आप देखें कितने शानदार वॉशरूम बने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और सामने बिल्कुल अलग से जो है वो बात लेने का है, इसके साथ कमोड है, इसके साथ बेसन है, इसके साथ आप सुकून से लेट कर भी जो है वो नहा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको वॉशरूम से हट के अब मैं आपको बेडरूम की जानिब लेकर जा रहा हूँ। बेडरूम के जो नज़ारे हैं वो इतने शानदार हैं कि सामने मेरे एक भरपूर एक नज़ारा है, एक व्यू है, और इसके साथ ही ये डबल बेड का जो है वो कमरा है, चारों तरफ इसके जो है वो पर्दे लगे हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पर जो है वो सुकून से अगर बैठ जाए, लेट जाए, आपको जो नज़ारे मिलेंगे समंदर के वो शानदार होंगे। और आइए मज़ीद इस जहाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ये कोई शेरेटन, PC, मूव एंड पे, रमादा, ये वो वाले होटल नहीं है, बल्कि ये क्रूज़ शिप है, ये कोस्टा रोमांटिका का 7-स्टार होटल है, और यहाँ पर आप फर्नीचर देखें, इतना शानदार फर्नीचर है, इसकी कुर्सियाँ, इसके टेबल, मतलब इसको इतने ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया गया है। आप ये झूमर देख लें, आप इस झूमर की, इस जगह को डेकोरेट करने में पता नहीं कितना पैसा लगाया होगा, इसके फ्रिज अलग किस्म के हैं, इसकी टेबल अलग किस्म के हैं, इसके ओवन अलग किस्म के हैं, हर चीज़ इसकी मुनफरिद है, मतलब ये देखें आप कि बिल्कुल वाइट चमेली की तरह जो है सो सजा दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो क्रूज़ शिप में अंदर मौजूद होते हैं, वो खाने पीने के लिए जो है वो यहीं पर ही आते हैं। ऐसे बेशुमार होटल हैं, सिर्फ यही नहीं है बल्कि हर फ्लोर पर आपको इस तरह के होटल्स देखने को मिलेंगे, और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इस जहाज़ को। ये है आपका डांस बार कह लें, मिनी बार कह लें, इस पूरे क्रू जहाज़ का सबसे ज़बरदस्त रोमांटिक और शानदार हिस्सा।
मतलब यहाँ पर बैठ के जो है वो सुकून से इधर उधर की बातें होती हैं और सुकून से जो है वो पानी वगैरह पी लें। इसके अलावा और भी जो शानदार किस्म की जो है वो गैलरी नुमा सामने देखने को मिलेगा, और सामने जो कॉफ़ी वगैरह पीनी हो, चाय पीनी हो, हर चीज़ यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। ये सामने पूरा एक इन्होंने पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है, डांस बार कह लें या फिर डिस्को बार कह लें, ये यहाँ पर इस जगह पर जो है वो सामने समंदर है। इसके अलावा इस जगह के फर्नीचर के बारे में मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त है। मैं फर्नीचर में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हर फ्लोर के ऊपर अलग अलग फर्नीचर है, मतलब हर किसी के अपने अपने स्टाइल के बने हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फर्नीचर हैं। और यहाँ पर पियानो भी है, इसके अलावा बहुत कुछ है। तो आइए और भी, वैसे तो इतनी लंबी हो जाएगी ये वीडियो अगर मैं पूरे जहाज़ को एक्सप्लोर करूँगा, मगर चंद चंद ऐसे हिस्से हैं जिसको बनाना बड़ा ज़रूरी है और आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं जहाज़ के बिल्कुल बीच में जहाँ पर मेन स्विमिंग पूल का एरिया है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत शानदार लुक है इसका, मतलब आप ये देखें कि मेरे बिल्कुल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें कि राइट पे भी और लेफ्ट पे भी क्या शानदार और खूबसूरत नज़ारा है। समंदर की जो लहरें, मतलब आप देखें ठहरा हुआ समंदर है, मगर इसकी जो चमक है वो इतनी कोई खूबसूरत लग रही है इस जहाज़ पर खड़े होकर मुझे। और वैसे तो हम कराची वालों के नसीब में जी लांचे ही हैं, जो कि समंदर में आपको एक तरफ जो है वो यूं होती है, एक तरफ यूं होती है, एक तरफ यूं होती है, एक तरफ यूं होती है, मगर इस पूरे जहाज़ में जो है वो मुझे ना यूं होने पड़ रहा है ना यूं होना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी घर में मौजूद हूं और बड़ा सुकून वाला माहौल है। और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अगर कैमरामैन आगे लेकर चलें आपको, ये मेन स्विमिंग पूल एरिया है और इसके बिल्कुल बीच में ये सामने आप देखें जो ऊपर के जो इसके जो इंजन रूम के जो जहाँ से इंजन का जो धुआं निकलता है सारा ऊपर निकलता है, और इसके साथ ये सामने लीडो बार सेंट ट्रॉफीज़ ये सामने सारी कुर्सियाँ रखी गई हैं। और ये स्विमिंग पूल है, बहुत शानदार है, किसी को नहाना हो तो वो नहा भी सकता है। जब ये जहाज़ शुरू में यानी कि 1993 में जब ये ऑपरेट हुआ तो उसके बाद ये बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद फिर 2000 में इसको दोबारा से जो है वो रीफर्निश्ड किया गया, और उसके बाद फिर हमने देखा क्योंकि बैरून ममालिक के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि इतने ज़बरदस्त जहाज़ों को बनाते हैं और बतौर टूरिज़म के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 की वजह से जो है वो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ जो है ठप हो गई, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जी इस जहाज़ को पोर्ट ग्रैंड पर लगा दें, हम इस जहाज़ को जो है वो फलां जगह पर लगा दें, मगर इस जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए जो है वो एक वेल मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए जो कि इस पूरे जहाज़ को लुक आफ्टर करे, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती जो है वो बड़ी भारी जो है वो आप समझ लें कि नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा ये कि अब मैंने आपको बताया कि 30 टन तेल सिर्फ रोज़ाना लगता है। अगर आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी लगाते हैं तो आपकी जो पब्लिक है वो पाकिस्तानी रुपया देगी, बाहर ममालिक के जो लोग हैं वो डॉलर में पैसा देते हैं, इसलिए ये लोग अफोर्ड कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपना अगर ये लगाती भी है तो उस वो ख़र्चा उठाए तो इट्स मीन कि चलो गवर्नमेंट है वो कर भी सकती है, उसका काम है, क्योंकि पब्लिक का जो पैसा आता है उसके ज़रिए इंटरटेनमेंट के तौर पर उसको लगाना चाहिए। जो नहीं लगाते, हम देखते हैं कि जो बैरून ममालिक के लोग होते हैं वो इंटरटेनमेंट के ऊपर जो है वो जो पैसा ज़्यादा लगाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो है वो भरपूर लुत्फ़ उठा सकें। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के शहरियों को महंगाई की चक्की में पिसा कर रखा हुआ है। आज हम यही बात करते हैं जी इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इन्हीं के बारे में जो है वो बात करते हैं, मगर बैरून ममालिक के लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट को तरजीह देते हैं और इंटरटेनमेंट को जो है वो फ़रोग देते हैं। और इनके बच्चे आप देखें कि कितने ज़बरदस्त और अच्छे माहौल में पढ़ के वो आगे निकलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलूँ, ये पूरा स्विमिंग पूल का एरिया है, सामने सीढ़ियाँ हैं, ऊपर भी जो कि कैप्टन यहाँ बैठते हैं वो बिल्कुल इस तरफ बैठते हैं। ये बिल्कुल जो पोर्शन है ये सारा का सारा बिल्कुल स्पेस खाली है, मतलब आप देखें इसको एल्युमिनियम की खिड़कियाँ लगाई गई हैं बड़ी बड़ी। और इसी के साथ साथ ये यदि अगर आपको कुछ पीना है जैसे कि एक पानी की बोतल अगर आपको पीनी है तो आप यहाँ पर बैठ के जो है वो पानी की बोतल भी जो है वो मंगवा सकते हैं और पी सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर और क्या कुछ है, तो चलिए मेरे साथ।
जी, इस पूरे जहाज़ को मैंने पूरा घूमा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि इतना घूमना जो है वो मेरे लिए समझ लें हर एक चीज़ दिखाना नामुमकिन सी बात है। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस शिप के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ जहाँ जिस रूम में आप चले जाएँ, शॉपिंग मॉल में चले जाएँ, कसिनो में, इसके अलावा गेमिंग जोन में, हर जगह आप चले जाएँ, आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन के फर्नीचर देखने को मिलेंगे। एक अलग ही दुनिया आपको जो है वो देखने को मिलेगी। इस पूरे जहाज़ को मैंने आपको जो है वो एक्सप्लोर किया। दूसरा ये कि गडानी शिपयार्ड ब्रेकिंग पर ये जहाज इस वक्त खड़ा हुआ है। मैं ये तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जी ये जो जहाज़ है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप होने के लिए आया है। बेशुमार लोग अब गडानी शिपयार्ड ब्रेकिंग पर आने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया ने जो खबरें चलाई है कि जी टूरिज्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो लोग खबरें देख देख के गडानी पर आ रहे हैं, तो उससे जो है वो जो सरमायादार है जिसने ये जहाज़ ख़रीदा है वो बड़ा जो है इस काम की वजह से, यानी कि शहरियों की वजह से जो है वो मुतासर हो गया। उसके अपने दीगर काम जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि शहरी कराची से आते हैं, बलूचिस्तान में गडानी लगता है, कराची से आते हैं, मालिक की जानिब से जो है वो मना करना मतलब बड़ा शर्मिंदा होता है। वो भी कहता है कि जी इतनी दूर से लोग आते हैं इस हसरत को लेकर के जी कराची वाले इतने बड़े जहाज़ को देखेंगे, मगर हम देख रहे हैं कि जी उनको मना करना पड़ रहा है। तो शहरियों को भी चाहिए कि कम अज़ कम जो है वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये जो जहाज़ है ये प्राइवेट सरमायेदार ने जो है वो लिया है। जब हुकूमती सतह के ऊपर काम होगा, अभी इस वक्त जो है वो जो अहमदुल्ला मिंजाई साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी काश के हम जो है वो शहरियों के लिए भी एक अच्छा सा जहाज़ जो है वो टूरिज़म के तौर पर लेकर आएँ, क्योंकि ये जो जहाज़ है ये स्क्रैप होने के लिए आया। बेशुमार लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जो अफवाहें उड़ाई हैं कि जी ये सिर्फ शहरियों के टूरिज़म के तौर पर इसके यानी कि सिर्फ विज़िट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी की सारी खबरें बेकार हैं, गलत हैं, झूठ हैं। तो आप भी ये, मैं एंड में अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो मैंने आपको अंदर से घुमा दिया, आपको बलूचिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मना ही करेंगे आने से। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लोग, जैसे कि मैं खुद भी अभी यहाँ पर आया हूँ तो डिप्रेशन क्या होता है पता ही नहीं चला, तो शहरियों को अच्छा माहौल फराहम करने के लिए, इंटरटेनमेंट माहौल फराहम करने के लिए अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा। खैर, इमरान खान की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जो अब कम अज़ कम टूरिज़म के ऊपर काम कर रही है, तो कराची में भी वफाकी वज़ीर अली दीदी साहब हैं, उनको भी चाहिए कि आप जो है वो मतलब अच्छे यानी कि जो शिप होते हैं, जो टूरिज़म के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बड़े जहाज़ नहीं तो छोटे जहाज़ ही सही, कम अज़ कम शहरी जो है उससे एंजॉय तो कर सकेंगे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।